जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों, जब भी हम लोगों के सामने वेटिंग टिकट बुक करने का समय आता है तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि कितना वेटिंग तक कंफर्म होगा, कौन सा वेटिंग लिस्ट लें, कौन सा से मतलब ये है कि जनरल वेटिंग लिस्ट ले लूँ, रिमोट वेटिंग लिस्ट वाला टिकट ले लूँ कि पोर्ट कोटा वेटिंग लिस्ट वाला टिकट ले लूँ, इन तीनों में से कौन सा वाला सबसे पहले कन्फर्म होता है। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि टिकट कन्फर्म होने वाला होता है, फिर भी ना जानने के कारण, कम जानकारी के कारण आप लोग अपना टिकट बुक नहीं कर पाते हैं और इसका फ़ायदा आपको नहीं मिल पाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वेटिंग टिकट से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ों को समझेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आने वाले समय में जब आप वेटिंग का टिकट बुक कर रहे होंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि भैया ये टिकट बुक करना है कि नहीं करना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और वेटिंग टिकट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। फिलहाल अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन सा वाला वेटिंग टिकट पहले कन्फर्म होगा। इसके लिए हम लोगों को उदाहरण के तौर पर कोई ना कोई रूट लेना पड़ेगा और एक ट्रेन लेनी पड़ेगी। मैं उदाहरण के तौर पर मान लेता हूँ मुंबई से लखनऊ वाला रूट ले लेते हैं और एक ट्रेन का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए पुष्पक एक्सप्रेस से मुझे यात्रा करनी है। ट्रेन का रूट भी समझना पड़ेगा, ये ट्रेन मुंबई से चलेगी, मुंबई के बाद एक बड़ा स्टेशन आएगा भुसावल जहाँ पर चार्ट बनता है, फिर अगला स्टेशन आएगा भोपाल जहाँ पर चार्ट बनेगा, फिर अगला स्टेशन आएगा झांसी जहाँ पर चार्ट बनेगा। बाकी बीच में छोटे बड़े स्टेशन पड़ते रहेंगे, वहाँ पर चार्टिंग स्टेशन नहीं है, वो वहाँ पर चार्ट नहीं बनता है। फिलहाल आप लोग इससे ये समझ गए होंगे कि ये जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं यहाँ पर चार्ट दोबारा बनता है, फिलहाल जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। अब अगर मैं मुंबई से लखनऊ तक यात्रा करना चाहता हूँ और सारी टिकट फुल हो गई हैं तो मुझे जर्नल वेटिंग वाला टिकट मिलेगा जिसमें GNWL लिखा होगा, और ये टिकट लगभग 400 वेटिंग तक रेलवे देता है, उसके बाद ये रिग्रेट हो जाता है। आप लोग ने देखा होगा रिग्रेट दिखाता है जब त्योहारों का सीज़न होता है या फिर गर्मियों का सीज़न होता है, तब ट्रेन की क्षमता के बराबर ट्रेन फुल हो चुकी होती है, ना उसमें वेटिंग मिल सकता है और ना ही आपको कन्फर्म मिल सकता है, तब आपको रिग्रेट शो करेगा, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा है जिसको मुंबई से झांसी तक आना है इसी ट्रेन में, तो उसको जनरल वेटिंग लिस्ट वाला टिकट नहीं मिलेगा, उसको पोल कोटा वेटिंग लिस्ट वाला टिकट मिलेगा। और अगर कोई ऐसा है जो भुसावल से या भोपाल से चढ़ रहा है कानपुर तक या झांसी तक आना चाहता है, तो उन लोगों को रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट वाले टिकट मिलेंगे। हर स्टेशन का अलग अलग चार्ट बनता है, जितने भी मैंने आपको बड़े स्टेशन बताए जहाँ पर चार्टिंग स्टेशन है ये, और इनका अलग अलग कोटा होता है। जब चार्टिंग स्टेशन का कोटा फुल हो जाता है तब टिकट वेटिंग में आ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन तीनों में से सबसे पहले किसका टिकट कन्फर्म होगा या फिर वेटिंग किसका क्लियर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जनरल वेटिंग वालों को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि उसमें रेलवे का फ़ायदा होता है, क्योंकि अगला पैसेंजर एंड टू एंड जर्नी कर रहा होता है। फिर उसके बाद पोल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट वालों को टिकट कंफर्म किया जाता है। पोल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट में एक अच्छी बात ये होती है, इसमें RAC नहीं होता है। आपने अगर जनरल वेटिंग लिस्ट वाला टिकट लिया हुआ है तो आपको जनरल वेटिंग लिस्ट के बाद RAC, फिर RAC के बाद आपका टिकट कन्फर्म होगा, लेकिन पोल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट में RAC वाला सिस्टम नहीं होता, ये डायरेक्ट कन्फर्म होता है। ये एक पोल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट का फ़ायदा है। तीसरे नंबर पर आता है रिमोट वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर्स का नंबर। अगर ट्रेन आगे से खाली आ रही है तभी आपके रिमोट वेटिंग लिस्ट वाले टिकट कन्फर्म होंगे, या फिर आगे से अगर कुछ पैसेंजर्स नहीं चढ़े हैं, उनकी जानकारी रेलवे के पास है, या फिर सीट खाली आ रही है, तभी ये टिकट कन्फर्म होते हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। प्रायोरिटी सबसे पहले जनरल वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर्स को दी जाती है, फिर पोल कोटा वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर्स को दी जाती है, फिर उसके बाद में रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर्स को दी जाती है। ये तो था वेटिंग लिस्ट का सिस्टम कैसे काम करता है। अब आप लोगों को देखना है कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और कहाँ तक आपको जाना है।
दोस्तों मैं अपना व्यू आप लोगों को बता देता हूँ, मेरे हिसाब से जनरल वेटिंग लिस्ट वाले टिकट बहुत अच्छे होते हैं, इनको पहली प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आपने जनरल वेटिंग लिस्ट वाला टिकट लिया हुआ है तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, आपका टिकट RAC पहुँचेगा, फिर आपका टिकट कन्फर्म भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितने दिन बाद आपकी जर्नी शुरू होगी और आप किस टाइप की ट्रेन में यात्रा करने जा रहे हैं, और ये भी देखा जाता है कि जिस ट्रेन में आप यात्रा करने जा रहे हो, स्लीपर हो या AC हो, उसमें कितनी कोटा वाली सीट खाली हैं, जैसे कि सीनियर सिटीज़न हो गया, लेडीज़ वाला हो गया, और भी रेलवे वाले कोटे होते हैं, उन सब में कितनी कितनी सीट खाली है ट्रेन का चार्ट बनने के पहले। अगर आपके सीनियर सिटीज़न कोटा में सीट खाली है या फिर लेडीज़ कोटा वाली सीट खाली है, तब होता यह है चार्ट बनने के ठीक पहले आपके पास वेटिंग वाला टिकट हो, चाहे 50 वेटिंग चल रहा हो या 60 वेटिंग चल रहा हो, वहीं दूसरी ओर सीट खाली है, तो जब चार्ट बनेगा तो वो सारे जो वेटिंग लिस्ट वाले टिकट होंगे वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे, कुछ लोगों को RAC मिल जाएगा, कुछ को कन्फर्म सीट मिल जाएगी। इस प्रकार से चार्टिंग के समय पर सब कुछ फाइनल होता है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार बहुत सारे कैलकुलेशन लगाने के बाद में वेटिंग टिकट मैं बुक करता हूँ, मतलब ये मेरा तरीका है, मैं हर चीज़ को देख लेता हूँ और फिर जब मुझे लगता है कि हाँ ये वेटिंग टिकट कन्फर्म हो सकता है तभी मैं रिस्क लेता हूँ। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। मैंने एक ट्रेन के बारे में बताया है, सारी ट्रेन एक ही बार में कवर नहीं कर सकते हैं, फिर भी अगर आपका PNR ये कन्फर्म होगा कि नहीं होगा, ये वाला टिकट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस प्रकार का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब दूँ। फिर भी अगर कोई भी पॉइंट छूट गया हो और कोई ऐसा सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।